नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दिस इज सोनू अहलावत और आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं ज्योग्राफी का मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन सोलर सिस्टम यानी कि सौर मंडल, जो कि हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। चाहे आपका रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ या फिर दिल्ली पुलिस, कोई भी एग्जाम हो, हर एक एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। और फ्रेंड्स, अगर आप इस लेक्चर को स्टार्टिंग से लेकर आखिर तक देख लेते हो, फिर आप कभी भी अपने एग्जाम में इस चैप्टर से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करके आओगे। ये चैप्टर आपके हमेशा हमेशा के लिए माइंड में जाएगा, ये मेरी गारंटी है। और फ्रेंड्स, ये तो शुरुआत है, मैं आपका कंप्लीट जीएस कवर कराने वाला हूं, चाहे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी कुछ भी हो, तो आप चैनल के ऊपर बने रहिए। तो चलिए फटाफट लेक्चर को शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड, जो हमारा सोलर सिस्टम है यानी कि सौर मंडल, ये यूनिवर्स का यानी कि ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा है। तो बिल्कुल स्टार्टिंग से बात करते हैं यूनिवर्स से। सबसे पहले तो अगर हम बात कर रहे हैं ब्रह्मांड के, यूनिवर्स के, सोलर सिस्टम की, तो जो इसका अध्ययन होता है, इसकी स्टडी होती है यूनिवर्स की, उसे इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्मोलॉजी। ठीक है, कॉस्मोलॉजी हम पढ़ रहे हैं। जो बड़े बड़े कोर्सेज होते हैं उनके अंदर कॉस्मोलॉजी एक अलग सब्जेक्ट होता है। तो ठीक है, तो यूनिवर्स से अगर हम बात करें, ब्रह्मांड के अंदर हमारा सोलर सिस्टम्स हैं, बहुत सारे प्लेनेट्स हैं, सन है, साथ ही अर्थ भी है, बहुत सारे स्टार्स भी हैं, तो ये बनके एक हमारा कंप्लीट यूनिवर्स बना है। लेकिन बात आती है कि जो ये यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, इसके अंदर इतनी सारी चीजें हैं, ये आया कैसे, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। देखिए, बताया जाता है कि लगभग 15 बिलियन यानी कि 15 अरब साल पहले एक बहुत बड़ा अग्नि पिंड था, यानी कि फायर बॉडी था, जो कि बहुत ही पदार्थों से बना था, डिफरेंट, वो उसने अंदर ब्लास्ट हुआ लगभग 15 अरब साल पहले, एक जबरदस्त विस्फोट हुआ उसके अंदर, जिससे हमारे यूनिवर्स की, ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मांड पूरा बड़ा ब्रह्मांड है। अब देखिए, जो हमारा यूनिवर्स है, इसके अंदर बहुत सारी गैलेक्सीज है। एक हमारी गैलेक्सी है जिसे हम बोलते हैं मिल्की वे गैलेक्सी, जिसके अंदर हमारा सोलर सिस्टम, सौर मंडल आता है। पूरे ब्रह्मांड के अंदर अरबों खरबों गैलेक्सीज हैं और उनके अंदर बहुत सारे ऐसे ही सोलर सिस्टम है, लेकिन हमें पता है केवल हमारे सोलर सिस्टम के बारे में, जो कि हमारा घर भी माना जाता है, जिसके अंदर टोटल 8 प्लैनेट्स यानी कि ग्रह हैं, साथ ही उसी के अंदर हमारी अर्थ भी है जिसके ऊपर हम रह रहे हैं, साथ ही सन है जिसके चारों ओर हमारे प्लैनेट्स घूमते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। तो ये बन के हमारा सोलर सिस्टम है। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये हमारा यूनिवर्स है और उसके अंदर जो आप ये देख रहे हैं, ये हमारा सोलर सिस्टम है। अगर बहुत ही दूर से देखेंगे तो वो ऐसा दिखाई देगा, बीच में जो आपको एक्स्ट्रा लाइट सी दिखाई दे रही है, ये हमारा सन और इसके चारों ओर बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स, प्लैनेट्स घूम रहे हैं अपने ऑर्बिट में, ये दूर से ऐसा दिखाई देते हैं। अगर थोड़ा नजदीक देखें तो ये जाके हमारा सोलर सिस्टम बनता है। ब्रह्मांड के अंदर बहुत सारे तारे हैं और ये हमारे प्लैनेट्स हैं, टोटल 8। एक और है, प्लूटो है, वो प्लैनेट्स हैं या फिर नहीं है, हम उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये बन के तैयार होता है हमारा सोलर सिस्टम, जिसका जो मेन पॉइंट है, हीरो ऑफ द सोलर सिस्टम है, वो हमारा सन है। काफी सारे लोग ये सोचते हैं कि यार सन इतनी गर्मी पैदा करता है, ये विलन है। नहीं फ्रेंड्स, ये हीरो है। अगर सन ना होता, आज हमारा सोलर सिस्टम ना होता, आज हम ना होते। सन की वजह से ही इतने सारे ग्रह इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। तो एक एक ग्रह के बारे में, एक एक प्लेनेट के बारे में डिटेल से जानेंगे। हर एक प्लेनेट की अपनी कुछ स्पेसिफिकेशंस है, उनके बारे में डिटेल से जानेंगे। सबसे पहले देखिए, हमारा सन है, सोलर सिस्टम के और चारों ओर ये प्लेनेट्स हमारे चक्कर लगा रहे हैं। सबसे पहले देखिए, जो हमारे चक्कर लगाते हैं ऑलमोस्ट सभी प्लेनेट, वो हमारे एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। ऑलमोस्ट सभी नहीं, 6 प्लेनेट सन के चारों ओर एंटी क्लॉकवाइज चक्कर लगाते हैं। आप यहां पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, सबसे पहले हमारा मरकरी, बुध ग्रह, ये देखिए एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। बाकी अर्थ भी एंटी क्लॉकवाइज चलती है और बाकी के हमारे प्लेनेट भी एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। लेकिन अगर आपने नोट किया हो, हमारे 2 ग्रह ऐसे हैं जो कि क्लॉकवाइज चक्कर लगाते हैं सूरज के, यानी कि विपरीत दिशा में बाकी प्लेनेट्स के कंपैरिजन में, जिसमें एक हमारा दूसरा प्लेनेट है वीनस है, यानी कि सन से दूसरे नंबर पर आता है, जिसे हिंदी में हम शुक्र ग्रह के नाम से जानते हैं। ये देखिए, ये हमारा जा रहा है क्लॉकवाइज, ठीक है, ये क्लॉकवाइज जा रहा है। साथ ही एक और हमारा ऐसा प्लेनेट है जो कि हमारा यूरेनस, जिसे हम बोलते हैं अरुण ग्रह हिंदी में, ये भी हमारा क्लॉकवाइज जा रहा है। ये 2 ऐसे ग्रह हैं जो कि बाकी ग्रह के कंपैरिजन में उल्टी दिशा में चक्कर लगाते हैं, बाकी सारे इस तरीके से चलते हैं, लेकिन वीनस और यूरेनस ऐसे हमारे क्लॉकवाइज रिवॉल्यूशन करते हैं सूरज के चारों ओर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये दो प्लेनेट ही यूनिकनेस दिखाते हैं इस चीज में। तो फ्रेंड्स, ये हमारा सोलर सिस्टम बनके तैयार होता है। तो चलिए एक एक ग्रह के बारे में डिटेल से जानेंगे, सन मून के बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, वो तो हमारा सोलर सिस्टम आपने देख लिया, लेकिन अगर हम इसे देखें थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड तरीके से देखें, तो हमारा सोलर सिस्टम ऐसा दिखाई देगा। बीच में सन है, ये हमारे बहुत सारे ग्रह हैं, जुपिटर है आपका, वीनस है, यूरेनस है, अर्थ का एक
खुद का सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट मून है, तो ये ऐसे दिखाई देगा। ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बड़े बड़े तारे हैं, स्टार्स हैं, जिनको नाम दिए गए हैं, बहुत बड़े बड़े एस्ट्रॉइड्स हैं, यानी कि मलबा है, उनके भी नाम दिए गए हैं, जो कि हमारे सन के चारों ओर ही ग्रह की तरह ही चक्कर लगाते रहते हैं। तो ये पूरा सिस्टम ऐसे दिखाई देता है। तो चलिए अब डिटेल की तरफ बढ़ते हैं थोड़ा। तो फ्रेंड्स देखिए, अब समझने वाली बात है, ये हमारा पूरा सन है, ठीक है। अब सन के चारों ओर चक्कर लगा रही है टोटल 8 ग्रह। सन के जो सबसे नजदीक, सूरज के सबसे नजदीक जो हमारा ग्रह आता है वो है मरकरी, हिंदी में से बोलते हैं बुध ग्रह। दूसरे नंबर पर आता है हमारा वीनस, जिसे हिंदी में शुक्र ग्रह बोलते हैं। तीसरे नंबर पर है हमारा अर्थ, जिसे पृथ्वी बोलते हैं। चौथे नंबर पर है हमारा मार्स, जिसे हम मंगल ग्रह। पांचवें नंबर पर है हमारा जुपिटर, जिसे बृहस्पति ग्रह बोलते हैं। सैटर्न है छठे नंबर पर, जिसे हम शनि ग्रह बोलते हैं। साथ ही यूरेनस है, जिसे हम अरुण ग्रह बोलते हैं। और लास्ट हमारा आठवां है नेपच्यून, जिसे हम वरुण ग्रह बोलते हैं। तो ये इनका सिक्वेंस है। अगर बात करें साइज के बारे में इनका सिक्वेंस का, जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट यानी कि बिगेस्ट जो हमारा प्लेनेट है वो है हमारा जुपिटर, सबसे बड़ा ग्रह है। और इसके सबसे ज्यादा उपग्रह भी हैं। उपग्रह क्या होता है? अब देखिए, ये ग्रह हैं, सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रही है, ये है हमारे ग्रह सूरज के चारों ओर। लेकिन अगर किसी भी ग्रह का कुछ चक्कर लगा रहे हैं, उसके भी ग्रह हैं, मान लीजिए कि हमारा जुपिटर है, इसके चारों ओर कुछ ग्रह हैं, उन्हें बोलते हैं उपग्रह, इसके चारों ओर वो भी चक्कर लगा रहे हैं। जैसे कि हमारा अर्थ है, इसके चारों ओर कौन चक्कर लगाता है? मून लगाता है, यानी कि चंद्रमा लगाता है। तो पृथ्वी का जो नेचुरल सैटेलाइट यानी कि पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह मून है, जो कि उसके चारों चक्कर लगाते हैं, तो इसे प्राकृतिक ग्रह बोलते हैं। तो जुपिटर सबसे बड़ा ग्रह है और जुपिटर के पास सबसे ज्यादा उपग्रह, लगभग 67 उपग्रह ये लिया हुआ है, इसके चारों 67 उपग्रह चक्कर लगा रहे हैं। तो सबसे बड़ा, दूसरे नंबर पर सैटर्न सबसे बड़ा ग्रह है, तीसरे नंबर पर यूरेनस है, चौथे नंबर पर नेपच्यून है, पांचवें नंबर पर अर्थ है सबसे बड़ी, छठे नंबर पर हमारा वीनस है, सातवें नंबर पर मार्स है, और सबसे जो छोटा ग्रह है और सबसे नजदीक है सूरज के वो हमारा मरकरी, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में बुध ग्रह, जिसके ऊपर थोड़ा केमिकल यानी कि मरकरी है। आगे मैं आपको बताऊंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट होगा, सन के सबसे ज्यादा नजदीक है, डिस्टेंस भी बताऊंगा कितनी है, और सूरज का कितने दिन में एक चक्कर लगाती है, जैसे कि पृथ्वी 365 दिन में और कुछ घंटे में चक्कर लगाती है, ऐसे ही बताऊंगा। तो फ्रेंड्स ये सीक्वेंस आई होप आपने नोट कर लिया हो, कहीं पर भी नोट कर लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है जो भी मैं बोल रहा हूं। अब देखिए, उपग्रह की अगर बात चल रही थी तो मैंने आपको बताया कि इतने इतने सबके उपग्रह, लेकिन दो ग्रह हमारे ऐसे हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है, जिनके चारों ओर कोई भी ग्रह चक्कर नहीं लगाता। एक है हमारा मरकरी, एक है वीनस, इनके चारों ओर कोई भी चक्कर नहीं लगाता, इनका कोई भी उपग्रह नहीं है, ये केवल अकेले ही सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है, इसे भी नोट करिएगा। नेक्स्ट है, अब फ्रेंड्स हम थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सन के बारे में, यानी कि सूरज के बारे में, जो कि हमारा सोलर सिस्टम का हीरो है, जिसके चारों ओर सभी के सभी ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, सूरज आप देखते होंगे, जो अगर और नजदीक से देखा जाए तो ये ऐसा लगता है जैसे कि कोई आग का अंगारा हो, उसके अंदर से आग निकल रही हो, तो ऐसा सूरज दिखाई देता है, ठीक है। ये क्यों होता है, ऐसी आग सी इसके अंदर से क्यों निकलती रहती है, ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। ये आपकी अर्थ है, बाकी ये आप देख सकते हैं चक्कर लगा रही है, ठीक है। तो ऐसा हमारा सूरज दिखाई देता है, ये देखिए स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, ऐसे कोई आग का जनी, जैसे कि कोई अंगारा है जिसके अंदर से बहुत सारी आग धधक रही है, ऐसा लग रहा है ना। तो ऐसा क्यों होता है, ये देखिए, ये केवल आग ही नहीं है, ये एक एनर्जी है। आपने देखा होगा सोलर पैनल्स के बारे में सुना होगा, जो कि धूप के वजह से चार्ज करती है बैटरीज वगैरह को, तो ये एनर्जी भी है, जिसकी वजह से जितने भी हमारे ग्रह हैं, चाहे अर्थ हो मार्स हो, सबको एनर्जी प्राप्त हो रही है, सबको सनलाइट सूरज से ही प्राप्त हो रही है, किसी के पास भी कोई ऐसी आर्टिफिशियल सनलाइट नहीं है, और सारे के सारे इसी की वजह से चल रहे हैं। अगर ये बंद हो जाए, यानी कि आग निकलनी बंद हो जाए सूरज के अंदर से, तो हमारा सोलर सिस्टम खत्म हो जाएगा, अर्थ खत्म हो जाएगी, और बाकी के ग्रह भी सभी नष्ट हो जाएंगे, ठीक है। काफी लोग के ये भी डाउट आते रहते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि सूरज के चारों ओर अर्थ चक्कर लगा रही है, ऐसे ये दूर क्यों नहीं भाग जाती। अब देखिए, अर्थ का एक ऑर्बिट होता है, ये सूरज है हमारा, उसके चारों एक ऑर्बिट बना होता है, एक पाथ बना होता है, ग्रेविटेशनल एक फोर्स होता है, ठीक है, इसकी वजह से वो इसके चारों ओर घूमती रहती है, बाकी के प्लेनेट भी चारों ओर, वो अपने ऑर्बिट से बाहर नहीं निकल पाती, एक फोर्स होता है जो कि उसे उस जगह पर बनाए रखता है, इसी वजह से ना तो वो सूरज के ऊपर गिरता कोई भी ग्रह, ना ही बाहर भागता। लेकिन अगर ऐसा हो जाए, किसी भी ग्रह को या फिर अर्थ को ही एक जबरदस्त पुश मिल जाए, यानी कि उसको पुश कर दिया जाए, तो ऐसा चांसेस है कि वो अपने ऑर्बिट से बाहर निकल के दूर भाग जाएगी, तो ऐसा हो जाता है। आपने मिशन मंगल एक मूवी है वो देखेगा, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है।
तो फ्रेंड्स, ये हमारा सन है, थोड़ा इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। जो सन है, इसके अंदर हमारी जो गैसेस हैं वो हमारी हाइड्रोजन होती है, हीलियम होती है सबसे ज्यादा मात्रा में। जो हमारी हाइड्रोजन है वो 71% होती है सन के अंदर, दूसरी 26.5% हमारी हीलियम गैस होती है, ठीक है, बाकी 22.5% हमारी अदर गैसेस होती है। जो हमारा ये ऐसा दिखाई देता है जैसे कि आग इसके अंदर से निकल रही है, वो किस कारण होता है? वो इस कारण होता है, जो हमारी हाइड्रोजन गैस है वो कन्वर्ट होती रहती है हीलियम में, हाइड्रोजन गैस हीलियम में बदलती रहती है, हाइड्रोजन हीलियम में कुछ रिएक्शन के चलते वो हाइड्रोजन हीलियम में बदलती रहती है। इसी वजह से हमें सूरज ऐसा दिखता है, इतनी सनलाइट निकालता है, इतनी एनर्जी अपने अंदर से निकालता है, इसी वजह से, क्योंकि हाइड्रोजन गैस हीलियम में तब्दील हो रही है, ठीक है। और जो ये होता है, यानी कि ये जो प्रोसेस है, इसे बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हम इसे बोलते हैं। अगर बात करें जो सन है उसकी सतह का जो टेम्परेचर होता है वो लगभग 60,000 डिग्री सेल्सियस, 6,000 डिग्री सेल्सियस ये टेम्परेचर है इसकी भारी सतह का, ठीक है। और भी कुछ इंपॉर्टेंट है, रिवोल्यूशन इन गैलेक्सी। अब देखिए, केवल ग्रह ही नहीं, प्लेनेट ही नहीं सन के चक्कर लगा रहे हैं, बल्कि जो हमारा सन है वो भी हमारी गैलेक्सी का, जो मिल्की वे गैलेक्सी है उसका चक्कर लगाता है, यानी कि ये एक जगह स्थिर नहीं है, ये भी सन भी चल रहा है। इसके बारे में देखिए, चक्कर लगा रहे हमारी गैलेक्सी का, ऐसे घूम के आता है, और कितने दिन में चक्कर लगाता है ये देखिए, 22.5 से 25 करोड़, यानी कि ये लगा के चलिए कि 25 करोड़ साल में एक चक्कर लगाता है गैलेक्सी का। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि आकाशगंगा जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है बहुत बड़ी गैलेक्सी है, तो इसका जो एक चक्कर लगा के आता है सन, वो लगभग 25 करोड़ साल, कितना बड़ा टाइम होता है। तो ये देखिए, अभी तक ये चल ही रहा है। नेक्स्ट है सनलाइट टू अर्थ, यानी कि जो सनलाइट होती है वो अर्थ पर कितने टाइम में पहुंचती है? लगभग 16.6 सेकंड। जब 16 पॉइंट सूरज निकलता है तो अर्थ के ऊपर 16.6 सेकंड में इसकी सनलाइट पहुंचती है, यानी कि इतनी देरी होती है, इतना टाइम लगता है सूरज की सनलाइट पहुंचने में अर्थ के ऊपर। तो ये पूरा फंडा है फ्रेंड्स सन का, इससे रिलेटेड यही इंपॉर्टेंट टर्म है, नोट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं, देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा सन है, बाकी ग्रह यहां पर चल रहे हैं, तो सब जितने भी ग्रह हैं कितना टाइम ले रहे हैं, सबकी स्पीड डिफरेंट डिफरेंट है, क्योंकि दूरी पर है, सबसे नजदीक हमारा मरकरी है, तो डेफिनेटली सूरज के सबसे नजदीक है, तो चक्कर भी अपना जल्दी लगाएगा, अपना एक चक्कर जल्दी कंप्लीट कर लेगा। उसके बाद हमारा वीनस है, यानी कि शुक्र ग्रह, ये भी अपना चक्कर लगाएगा, जितनी दूर होते चलाए जाएंगे चक्कर उतने ही, मतलब ज्यादा टाइम लेगा। तो चलिए बात करते हैं कौन कितना चक्कर लेता है और कौन से ग्रह के क्या स्पेसिफिकेशन है इंपॉर्टेंट, जो कि एग्जाम में पूछी जाती है। सबसे पहले जो हमारा ग्रह आता है वो है मरकरी, जिसे हिंदी में बोलते हैं बुध ग्रह, ठीक है। ये देखने में ऐसा दिखाई देता है सूरज के सबसे ज्यादा नजदीक है, ठीक है, सबसे स्मॉल है, सबसे छोटा ग्रह मैंने यहां पर लिखा हुआ है। जो सन से, यानी कि सूरज से इसकी दूरी है, डिस्टेंस है, वो 5.8 करोड़ किलोमीटर इसकी दूरी है सन से। साथ ही जो अपना एक चक्कर सूरज के चारों ओर अपने एक चक्कर कंप्लीट करता है वो 88 दिन में 88 डेज इसको लग जाते हैं दोबारा उसी जगह पर घूम के आने में। अब देखिए, हर एक ग्रह ऐसे तो घूम ही रहा है, वो अपना रोटेशन अपनी धुरी पर भी घूमता है, यानी कि ऐसे भी घूम रहा है साथ ही साथ ऐसे भी घूमता रहता है, वो ऐसे रोटेशन भी करता रहता है अपनी धुरी पर। और सबकी जो स्पीड है रोटेशन की, रिवॉल्यूशन की, वो भी डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है रोटेशन कितने टाइम में कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है अर्थ को लेकर कि अर्थ कितने टाइम में अपना रोटेशन कंप्लीट कर रही है, कितने टाइम में अपना एक चक्कर कंप्लीट कर रही है। साथ ही मून का भी ये इंपॉर्टेंट है कि मून अपना चक्कर कितने दिन में लगाता है, रोटेट करता है, कितना टाइम लेता है। तो फ्रेंड्स, रिवॉल्यूशन 88 दिन में लगाता है। इसका जो टेम्परेचर होता है इस ग्रह के ऊपर वो 600 डिग्री सेल्सियस, यानी 600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। फ्रेंड्स, सोच के देखिए कितना जबरदस्त टेम्परेचर होगा। मरकरी एक केमिकल होता है, लिक्विड होता है, तो वो है इस ग्रह के ऊपर, और टेम्परेचर इतना ज्यादा है, वहां तो कुछ सॉलिड रह ही नहीं सकता, वहां तो ऑटोमेटिकली लिक्विड होने वाला है, क्योंकि सबसे ज्यादा नजदीक है सूरज के। स्पेसिफिकेशन यह है कि इसके अंदर एक मैग्नेटिक इफेक्ट है, तो ये इसकी स्पेशल स्पेसिफिकेशन है, याद रखना। मैं आपको थोड़ा अंदर से दिखाऊं, इमेजिन करके कि कैसा लगेगा अगर इसकी सतह सरफेस देखा जाए, तो ये ऐसा दिखाई देता है। ये है फ्रेंड्स हमारा मरकरी, यानी कि बुध ग्रह। तो ये एक ये केमिकल सा, ये जो आप दिखाई दे रहे हैं ना आपको, ये लसलसाहट सी एक अजीब सी, ये है हमारा मरकरी, यानी कि मरकरी आप देखिए पीरियोडिक टेबल में केमिकल होता है। तो यहाँ एक जेली टाइप है इस ग्रह के ऊपर, और मैग्नेटिक इफेक्ट भी है यहाँ पर, और टेम्परेचर 600 डिग्री सेल्सियस है मरकरी ग्रह के ऊपर, क्योंकि सूरज के सबसे नजदीक है। नेक्स्ट है
मरकरी हो गया, उसके बाद हमारा आता है वीनस, जिसे हम बोलते हैं शुक्र ग्रह। बड़ा इंटरेस्टिंग है, वीनस दूसरे नंबर पर आता है। ये देखते हैं वीनस के बारे में, ये आप दिखाई दे रहा होगा, ये दिखाई देता है ऐसा वीनस, ठीक है। थोड़ा ग्रे से कलर्स का ये दिखाई देता है, यानी कि ब्राउनिश सा, थोड़ा मिट्टी जैसे कलर का ये दिखाई देता है, ठीक है। ये है हमारा वीनस, सबसे जो ब्राइटेस्ट यानी कि सबसे चमकीला ग्रह, चमकदार ग्रह, वो है हमारा वीनस ग्रह। इसे मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी बोला जाता है, यानी कि सुबह का तारा और शाम का तारा, इसलिए इसे बोला जाता है क्योंकि सुबह शाम ये नेकड आई से, यानी कि बिना टेलीस्कोप के इसे धरती से देखा जा सकता है, बहुत ही चमकीला होता है। इसलिए मॉर्निंग और इवनिंग, पूर्व की दिशा में सुबह दिखाई देता है और पश्चिम दिशा में ये शाम को दिखाई देता है। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, जो हमारा मरकरी ग्रह है, साथ ही वीनस है, साथ ही मार्स है और जुपिटर है, ये चार ग्रह पृथ्वी से नेकड आईज यानी कि नंगी आंखों से देख सकते हैं, देखे जा सकते हैं, लेकिन आजकल पोल्यूशंस और फोग और क्लाउड्स की वजह से ये नहीं दिखाई देते, लेकिन ऐसा होता है, ठीक है। अभी हमारा देख, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर विजिबल फ्रॉम अर्थ विद नेकड आईज, यानी कि ये देखा जा सकता है सुबह शाम में। रिवोल्यूशन, जो अपना एक चक्कर सूरज के चारों ओर ये कंप्लीट करता है, वो 225 दिनों में एक चक्कर कंप्लीट कर लेता है। साथ ही सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर इसके ऊपर होता है, यानी कि सबसे गर्म ग्रह माना जाता है वीनस को, क्योंकि इसके ऊपर जो एक गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड, इस ग्रह के ऊपर पाया जाता है। ये माना जाता है कि वीनस ग्रह के ऊपर जीवन बिल्कुल भी संभव नहीं है, एक तो इतनी जहरीली गैस इसके ऊपर होती है, साथ ही सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट ये होता है, सबसे गर्म ग्रह ये माना जाता है। जितना एक प्रेशर कुकर में टेम्परेचर होता है ना, जब प्रेशर कुकर गैस के ऊपर होता है, उतना टेम्परेचर इस ग्रह के ऊपर पाया जाता है। और अभी नासा के साइंटिस्टों ने ये दावा किया है कि वीनस ग्रह के ऊपर एलियन हो सकते हैं, क्योंकि इस ग्रह के ऊपर बहुत ज्यादा फॉस्फीन गैस बन रही है। ये मैंने आपको करंट अफेयर के पहले लेक्चर में कवर करा दिया था, देख लीजिएगा द करंट अफेयर शो का पहला एपिसोड। तो फ्रेंड्स, ये हमारा वीनस ग्रह, वीनस ग्रह ऐसा दिखाई देता है, अगर सतह से देखे तो ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड इस ग्रह के ऊपर गैस है, सबसे हॉटेस्ट और सबसे चमकीला ग्रह है, क्योंकि सूरज का रिफ्लेक्शन बहुत जबरदस्त तरीके से इस ग्रह के ऊपर पड़ता है, तो इसकी सतह है ऐसी। नेक्स्ट है वीनस हो गया, अर्थ आता है यार, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अर्थ के ऊपर हम रहते हैं, इससे रिलेटेड तो क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे और बहुत सारे बनेंगे, तो ठीक है अर्थ के बारे में देखते हैं। अर्थ फिफ्थ बिगेस्ट प्लेनेट, यानी कि पांचवा सबसे बड़ा ग्रह अर्थ है, पहले जुपिटर, सैटर्न, फिर हमारा यूरेनस, नेपच्यून एंड देन हमारा अर्थ आता है। तो ब्लू प्लेनेट भी इसे बोला जाता है, यानी कि क्योंकि इसके ऊपर पानी की मात्रा बहुत ज्यादा है, 71% इसके ऊपर पानी है, बाकी रहने की जगह 29% के आसपास हमारे अर्थ के ऊपर। इसे हरित ग्रह भी बोला जाता है, क्योंकि केवल यही ग्रह है जिसके ऊपर जीवन संभव है। साथ ही जो ये रोटेशन अपना करता है, यानी कि अर्थ ऐसे तो घूम ही रहा है सूरज के चारों ओर, लेकिन ये अपनी धुरी पर ऐसे रोटेट भी करता है। तो कितना टाइम लगता है इसे रोटेशन में, वो तो बाद में देखेंगे, पहले मैं आपको बता दूं, ये वेस्ट टू ईस्ट यानी कि पश्चिम से पूर्व की, यानी कि वेस्ट टू ईस्ट, अगर उधर ईस्ट है और इधर वेस्ट है तो ये ऐसे घूमेगा, ऐसे ऐसे वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है, याद रखिएगा। अब ये एक चक्कर अपनी धुरी के ऊपर रोटेशन में कितना टाइम लेता है, वो लेता है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड, यानी कि 23 घंटे लेता है और 56 मिनट और 4 सेकंड अर्थ अपने रोटेशन, यानी कि रोटेशन कंप्लीट करता है इतने टाइम में। और फ्रेंड्स, आपको पता है जो दिन रात होती है वो इसके रोटेशन की वजह से ही होती है, जो दिन होती है रात होती है वो रोटेशन की वजह से, क्योंकि यहां पर देखिए लगभग 24 घंटे के आसपास ही अपने एक चक्कर कंप्लीट कर लेता है, ध्यान रखिएगा। रिवोल्यूशन जो होता है, यानी कि सूरज के चार ओर जो चक्कर लगाती है अर्थ, वो 365 दिन में कंप्लीट करती है, साथ ही 5 घंटे 48 मिनट 40 सेकंड, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 40 सेकंड में एक चक्कर लगाकर आती है सूरज का। अब फ्रेंड्स, काफी सारे लोगों का डाउट होता है ना लीप ईयर्स में कि 4 साल में एक दिन बढ़ के आता है, कैसे आता है, फरवरी में 29 दिन होते हैं, कैसे होते हैं, वो फ्रेंड्स इसी वजह से होते हैं, पृथ्वी के रिवोल्यूशन की वजह से। आप देखिए 365 दिन में एक चक्कर कंप्लीट कर रही है, यानी कि एक साल हो गया, लेकिन साथ ही 5 घंटे 48 मिनट भी लेती है, 4 साल में ये 5 घंटे 48 मिनट ऐड होते रहते हैं और ये एक दिन बन जाता है 4 साल बाद, जिसकी वजह से उन 4 साल बाद एक साल में 366 दिन हो जाते हैं, फरवरी में 29 डेज हो जाते हैं, इसी वजह से लीप ईयर होता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं। साथ ही वाटर अवेलेबिलिटी मैंने आपको बता दिया, एज बात करें, अर्थ की उम्र कितनी है, अर्थ कितनी ईयर ओल्ड है, वो हमारी 4.6 बिलियन, यानी कि 4.6
अरब साल पुरानी अर्थ है, इसकी उम्र हो चुकी है इतनी। नेचुरल सैटेलाइट इसकी एक है, मून मैंने आपको बताया उपग्रह बोलते हैं सैटेलाइट को जो कि किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो मून इसका एक नेचुरल। साथ ही डिस्टेंस अगर बात करें मून से, क्योंकि मून है इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है, तो उससे डिस्टेंस कितनी है मून की अर्थ से, लगभग 384,365 किलोमीटर अर्थ की और मून के बीच की डिस्टेंस है। तो ये पूरा फंडा है हमारा अर्थ से रिलेटेड, याद रखेगा इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। बात करते हैं थोड़ा आगे चल के, बात आ रही थी हमारी मून की ही, अब अर्थ के बारे में बात कर रहे हैं तो मून की तो डेफिनेटली करेंगे क्योंकि उसके चारों ओर मून ही चक्कर लगा रहा है। देखिए ये हमारी अर्थ है और ये मून है जो कि इसके चारों ओर घूमता रहता है, साथ ही अर्थ सूरज के चारों ओर चक्कर लगा दिया, रोटेट कर दिया है। और यहाँ पर मून का भी ये फंडा है, अर्थ के चारों ओर तो घूम ही रहा है लेकिन वो रोटेट भी करता हुआ चल रहा है। ये देखिए ये यहाँ पर आप दोनों तरफ देख सकते हैं ये चक्कर लगा रहा है ऐसे, ये मून है, ये हमारा मार्स है दूसरा ग्रह, ये इसके चारों ओर लगा रहा है। ठीक है, समझ गए होंगे ना। अब थोड़ा मून के बारे में बात कर ली जाए कि ये मून है क्या, इसकी सतह के बारे में, इसके बाकी चीजों के बारे में। अब देखिए जो मून अपनी धुरी पर एक रोटेट करता है, ऐसे घूमता है, वो लगभग 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट में घूमता है। साथ ही मून से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि मून जितने टाइम में अपना रोटेट कंप्लीट कर रहा है उतने ही टाइम में पृथ्वी का एक रिवोल्यूशन भी कंप्लीट कर रहा है, सेम टाइम में 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट में ही अपनी धुरी पर चक्कर लगा रहा है, साथ ही पृथ्वी का भी एक चक्कर उसी टाइम में काट के आ रहा है लगभग 27 दिन में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। डिस्टेंस मैंने आपको बता दी 384,365 किलोमीटर दूरी है अर्थ से मून की। ठीक है, ये एक प्राकृतिक सैटेलाइट है, प्राकृतिक उपग्रह है अर्थ का। वैसे तो अर्थ के चारों ओर बहुत सारे उपग्रह घूम रहे हैं कैसे, लेकिन वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, जो सैटेलाइट धरती के साइंटिस्ट के थ्रू अर्थ के ऑर्बिट में भेजी जाती है वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होती है, जिससे हम टीवी वगैरह ये देखते हैं, साथ ही इंटरनेट वगैरह चलता है, वो हमारी आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। और ये हमारी नेचुरल सैटेलाइट है मून, यानी कि एक नेचुरल उपग्रह है, याद रखना। बात करते हैं नेक्स्ट, ये हमारा मून ऐसा दिखाई देता है, यानी कि ये सतह है मून की, सरफेस है, ये हमारी अर्थ दिखाई दे रही है, ये मून है, इसके ऊपर ये आज तक भी नील अंगस्ट्रोम जब गए थे उनके पैरों के निशान आज तक भी यहां पर देखे जा सकते हैं, क्योंकि यहां पर कोई हवा तूफान तो होती ही नहीं, इसलिए यहां पर आज तक भी उनके पैरों के निशान है। इंडिया का पहला साइंटिस्ट कौन था मून पर जाने वाला, राकेश शर्मा, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये मून ऐसा दिखाई देता है। नेक्स्ट आता है हमारा अर्थ मून हो गया, मार्स आता है जिसे हम मंगल ग्रह बोलते हैं, यानी कि रेड प्लेनेट से लाल प्लेनेट भी बोल देते हैं। ये देखिए रेड प्लेनेट, मार्स जो सूरज का एक चक्कर कंप्लीट करता है वो लगभग 687 दिन में एक चक्कर कंप्लीट करता है, पृथ्वी करती है 365 दिन में, लेकिन ये पृथ्वी से दूर है, आगे वाला प्लेनेट है। ठीक है, ये चौथा प्लेनेट है, इसी वजह से इसको ज्यादा टाइम लग रहा है, लगभग 687 दिन में एक चक्कर सूरज के कंप्लीट करता है। ये हमारा रेड प्लेनेट है, आपको तो पता ही होगा, इसके ऊपर पूरी खोज चल रही है, हमारा मंगलयान भी गया हुआ है इसके ऑर्बिट में, मंगलयान भी चक्कर लगा रहा है, नासा का भी चक्कर लगा रहा है, चाइना का भी चक्कर लगा रहा है, सब लोग लगे हुए हैं ये पता लगाने के लिए क्या इस पे जीवन है या फिर नहीं है। और ये सबसे नजदीक भी है अर्थ के, इसी वजह से यहां तक पहुंच पाते हैं, यानी कि इंसान तो अभी तक नहीं गए लेकिन उन्होंने अपनी सैटेलाइट वगैरह इसके ऑर्बिट में पहुंचाई हुई है। अगर मार्स के सरफेस के बारे में बात करें तो कुछ ऐसा दिखाई देता है, रेड प्लेनेट इसको बोला जाता है, यहां पर भी ज्यादा टेम्परेचर नहीं है लेकिन अर्थ से काफी कम, थोड़ा अर्थ से बहुत ज्यादा ठंडा प्लेनेट भी इसको माना जाता है। ठीक है, ये ऐसा दिखाई देता है। नेक्स्ट आते हैं हमारा जुपिटर। अब जुपिटर और मार्स के बीच में आपने एक चीज नोट की होगी, ये देखिए ये हमारा मार्स है, ये जुपिटर है, इसके बीच में यहां पर लिखा हुआ है एस्ट्रॉइड बेल्ट। ठीक है, ये कुछ यहां पर एक अलग पाथ बना हुआ है जिसको एस्ट्रॉइड बेल्ट बोला गया है। अब इसके अंदर क्या होता है, देखिए फ्रेंड्स, सूरज के चारों ओर हमारे प्लेनेट्स तो चक्कर लगा ही रहे हैं लेकिन उसी बीच कुछ आपत्तिजनक कण भी हैं जिसे हम एस्ट्रॉइड बोलते हैं, यानी कि कुछ मलबा है, बहुत बड़ी बड़ी पत्थर बोल सकते हैं हम, पदार्थ हैं बहुत बड़े बड़े, ठीक है, जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस से बने हुए मिलके वो भी साथ साथ चक्कर लगा रही हैं। ठीक है, तो ये जो एस्ट्रॉइड्स हैं वे हमारे मोस्टली मार्स और जुपिटर के बीच में ही चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, ये एक बेल्ट बनी है यानी कि पूरी स्पीड से घूम रही है, तो इनके बारे में भी देख ही लेते हैं। तो ये देखिए मैंने आपको बताया एक बड़ा पत्थर, एक मलबा, तो ये रॉक है एक टाइप का जिसे हम एस्ट्रॉइड बोलते हैं, ये गैसेस से बना हुआ है मिलके, ठीक है, और बहुत सारी डिफरेंट टाइप ऑफ
मटेरियल से बन के बना हुआ है, जो कि काफी बड़े साइज के होते हैं, बहुत प्लेनेट जितने बड़े साइज के भी हो सकते हैं, एक ही नहीं बहुत सारे होते हैं जो कि चक्कर लगा रही है, जो कि काफी बड़े साइज के होते हैं। देखिए ऐसे दिखाई देते हैं। और ये एस्ट्रॉइड अगर अपने ऑर्बिट से बाहर निकल गए तो ये किसी भी ग्रह के ऊपर जाके गिर सकते हैं, उसके ऊपर नुकसान पहुंचा सकते हैं, और ये अर्थ के ऊपर भी गिर सकते हैं। ऐसे पहले हुआ है, बड़े साइज के नहीं छोटे साइज के जो एस्ट्रॉइड है वो अर्थ के तरफ बहुत ही स्पीड से बढ़ रहे थे, लेकिन साइंटिस्टों को पता चला और उन्होंने इसको बाहर ही खत्म किया। देखिए कुछ टाइप की मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए ये अर्थ है, एस्ट्रॉइड है बहुत बड़ा, अर्थ के तरफ को बढ़ रहा है, यानी कि अगर अर्थ के ऊपर गिर गए तो काफी नुकसान करेगा। तो साइंटिस्ट को जैसे ही पता चलता है वो मिसाइल भेजते हैं और इसको वहां पर ही तोड़ने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से वो छोटे छोटे कण में टूट जाता है, वो हमारी अर्थ के ऊपर नहीं गिरता। अगर छोटे मोटे कण गिरते भी हैं बहुत ही छोटे छोटे पत्थर के साइज के, तो उनसे ज्यादा नुकसान नहीं हो पाता। तो ये पूरा फंडा है हमारा। ये पता कैसे चलता है, एस्ट्रॉइड बहुत बड़ा एस्ट्रॉइड बढ़ रहा है अर्थ की तरफ, तो जो हमारी आर्टिफिशियल सैटेलाइट घूम रही है ये पता लगाती है कि कुछ अर्थ की तरफ बढ़ रहा है। तो फ्रेंड्स ये हमारा हो गया एस्ट्रॉइड। अब एक होता है कोमेट्स होते हैं फ्रेंड्स, कोमेट्स जो कि ऐसे दिखते हैं कि जैसे कि बहुत बड़ा आग का गोला पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा है, तो ये भी हमारे जुपिटर और मोस्टली उस मार्स के बीच में घूमते हैं। कोमेट्स होता क्या है, ये भी एस्ट्रॉइड जैसे होते हैं, यानी कि गैसों से मिलके ही बना होता है, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से बना होता है, लेकिन इनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, एस्ट्रॉइड से ज्यादा स्पीड होती है, इसलिए ऐसा लगता है कि जैसे कि कोई आग का गोला है। और ये ऐसे छोटे 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 छोटे, यानी कि जैसे कि माउजर से निकलने वाले नहीं होते, ठीक है, शॉर्ट्स ऐसे दिखाई देता है, ये भी हमारा, इसे बोलते हैं हम कोमेट्स, जिसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हमारी एस्ट्रॉइड बेल्ट हो गई, जुपिटर के बारे में बढ़ते हैं, जो कि बिगेस्ट प्लेनेट है हमारे सोलर सिस्टम का, ऐसा दिखाई देता है, बिगेस्ट प्लेनेट है, जो कि बाउल ऑफ गैसेस बोला जाता है। ये हमारी बहुत टाइप ऑफ जहरीली गैसों से बनके मिलके बना हुआ है, इसके ऊपर बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस है। सबसे ज्यादा मात्रा में जो इसके ऊपर गैस पाई जाती है वो हमारी हाइड्रोजन होती है, हीलियम होती है, मीथेन होती है, ओमियम होती है, ठीक है, मीथेन कितनी जहरीली गैस होती है। तो ये गैसों से मिलके बना होता है, सबसे ज्यादा इसके ऊपर गए लगभग 67 इसके सैटेलाइट्स हैं, साथ ही जो अपना एक चक्कर सूरज के चारों ओर कंप्लीट करता है वो लगभग 12 इयर्स यानी कि 12 साल में करता है, ठीक है, 12 साल में एक चक्कर करता है। इसकी सतह के बारे में अगर हम देखें तो ये ऐसा दिखता है, ये आपको दिखाई दे रहे होंगे बादल से, लेकिन बादल से नहीं है, ये एक टाइप की गैसेस हैं, बहुत सारी गैसेस हैं, मीथेन है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, ओमियम, ये गैसेस हैं इसके ऊपर। इसके ऊपर तो जीवन संभव हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसके ऊपर बहुत जहरीली जहरीली गैसेस ही है, कुछ भी सॉलिड नहीं है, बस ये गैस का गोला है जुपिटर। नेक्स्ट देखते हैं, जुपिटर हो गया, सैटर्न हो गया, सैटर्न के बारे में जिसे हम बोलते हैं शनि ग्रह, जुपिटर को बृहस्पति ग्रह बोलते हैं, शनि ग्रह, देखिए दूसरा सबसे बड़ा प्लेनेट है हमारे सोलर सिस्टम का, नंबर ऑफ सैटेलाइट इसकी 62 है, यानी कि 62 उपग्रह है इसके, साथ ही इसके पास एक बिगेस्ट सैटेलाइट है, यानी कि बिगेस्ट सबसे बड़ा जो उपग्रह है इसका टाइटन है। क्वेश्चन बन जाता है कि सैटर्न का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, वो उसका नाम है टाइटन, ठीक है, जो ये अपने एक चक्कर सूरज के चारों ओर लगाता है, वो हमारा 29 दिनों में 29 इयर्स में लगाता है, यानी कि 29 साल, सॉरी मैंने दिन बोल दिया, लेकिन 29 साल में एक चक्कर सूरज के चारों ओर लगाता है। अब आपने एक ये बेल्ट टाइप कुछ देखा होगा, जब भी आप सैटर्न देखते हो ये कुछ ऐसा दिखाई देता है कि इसके चारों ओर कुछ लगा हुआ है, तो फ्रेंड्स ये एक पाथ है, जैसे कि एक पाथ बन जाता है ना, कि कुछ अगर राउंड राउंड कर रहा है, ट्रैक्टर को गोल गोल घुमा दिया जाए तो एक रास्ता सा बन जाता है, तो वो एक ऐसा ही रास्ता है जिसके चारों ओर बहुत सारे एस्ट्रॉइड हैं, बहुत ही सारे कोमेट्स हैं, बहुत इसके उपग्रह हैं, जो कि बहुत ही स्पीड से घूम रहा है, जिसकी वजह से ये ऐसा दिखाई देता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सैटर्न हो गया, यूरेनस हो गया आता है हमारा, जिसे ग्रीन प्लेनेट भी बोलते हैं यूरेनस, इसके बारे में पढ़ते हैं। यूरेनस ऐसा हमारा दिखाई देता है बाहर से, ये एक अच्छा प्लेनेट है, जिसे यूरेनस थर्ड बिगेस्ट, तीसरा सबसे बड़ा प्लेनेट माना जाता है इसको हमारे सोलर सिस्टम का, साथ ही से हरा ग्रह भी बोला जाता है, यानी कि ग्रीन प्लेनेट इसे बोला जाता है, क्योंकि इसके ऊपर भी कुछ गैसेस होते हैं जिसकी वजह से ग्रीनिश दिखाई देता है। नंबर ऑफ सैटेलाइट इसके भी अपने कुछ उपग्रह, टोटल 27 उपग्रह इसके हैं, साथ ही जो चक्कर लगाता है सूरज के टोटल 84 साल में, 84 इयर्स में एक चक्कर लगाता है, क्योंकि सातवें नंबर पे सबसे ज्यादा दूर ग्रह यही है हमारा। रोटेशन, जो ये रोटेट करता है यानी कि अपनी धुरी पे जो ये घूमता है, ये हमारा ईस्ट टू वेस्ट, अभी मैंने आपको अर्थ के बारे में बताया था, अर्थ कैसे घूमती है हमारी पश्चिम से पूर्व की दिशा में चक्कर लगाती है, रोटेट करती है, अपनी धुरी पर घूमती है, लेकिन ये हमारा ईस्ट टू, पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है। नेक्स्ट है हमारा नेपच्यून, जो कि आठवां लास्ट ग्रह है, आखिरी सबसे ठंडा ग्रह माना जाता है।
नेपच्यून, ये हमारा नेपच्यून ऐसा दिखाई देता है जो कि ब्लूइश सा दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर आप छोटे सा देख रहे होंगे एक ग्रीनिश इफेक्ट भी, यानी कि थोड़ा ग्रीन सा दिखाई देता है। ठीक है, ये चौथा सबसे बड़ा ग्रह होता है हमारा नेपच्यून, आखिरी ग्रह है, आठवां ग्रह है, मोस्ट कूलेस्ट, सबसे ठंडा ग्रह हमारा माना जाता है। इसके ऊपर गैस है मीथेन, मीथेन सबसे ज्यादा मात्रा में इसके ऊपर गैस है, यानी कि मीथेन ही है इसके ऊपर। और जो ये हरा सा आपको दिखाई दे रहा है थोड़ा ग्रीनिश इफेक्ट है, ये मीथेन गैस होने की वजह से है। इसके भी अपने कुछ उपग्रह, 14 इसकी अपनी सैटेलाइट्स हैं, यानी कि उपग्रह जो ये चक्कर लगाता है सन का, वो टोटल 165 साल में, देखिए कितना बड़ा समय, 165 साल में घूम के आ रहा है सूरज के चारों वो अपनी उस जगह पर, तो ये हमारा नेपच्यून होता है। एक और है प्लूटो, उसको मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, बिल्कुल आखिर में, लेकिन उससे पहले कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हमारी आ जाती हैं, जैसे सोलर इक्लिप्स या फिर लूनार इक्लिप्स जिसे हम बोलते हैं, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, जिससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट डाउट बनते हैं वो क्लियर करूंगा। तो फ्रेंड्स, ये हमारा अब आ जाता है हमारा सोलर एक्लिप्स, जिसे हम बोलते हैं, सोलर एक्लिप्स का मतलब होता है हिंदी में सूर्य ग्रहण। ठीक है, सूर्य ग्रहण, सूर्य ग्रहण के बारे में आपने सुना होगा, काफी लोग बोलते हैं हार्मफुल होता है, बाहर मत निकले जब सूर्य ग्रह हो रहा है। जब सूर्य ग्रहण होता है तो कैसा दिखाई देता है, यानी कि सूर्य ढक जाता है, दिखाई नहीं देता, ऐसा भी टाइम आता है और ऐसा दिखाई देता है कि उसके चारों एक रिंग सा बन जाता है, कि सूरज दिखाई नहीं दे रहा लेकिन उसके चारों ओर हमें परछाई दिखाई दे रही है, ऐसी आग से निकलती हुई दिखाई दे रही है, रोशनी दिखाई दे रही है, ऐसा हो जाता है, ये चंद्र सूर्य ग्रहण होता है। और कुछ दिखाता हूं, कभी कभी ऐसा दिखाई देता है पहले बिल्कुल ब्लैक हो गया, कुछ नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन थोड़ी देर बाद जब सूर्य ग्रहण ढलने लग जाता है तो वो थोड़ा सूर्य ऐसा दिखाई देता है, लेकिन बहुत जबरदस्त रोशनी उसके अंदर से निकल आती है, जिससे उसे नेक्ड आई से नहीं देखना पड़ता, काफी नहीं देखा जाता, एक्सरे से देख सकते हैं, कुछ स्पेशल टाइप के हमारे चश्मे होते हैं जिससे उसे देखा जा सकता है। हार्मफुल किस लिए होता है, नुकसानदायक आंखों के लिए क्यों होता है, आपको तो पता ही होगा सूर्य से बहुत सारी हार्मफुल रेज आती है, अल्ट्रावायलेट रेज जिसे हम बोलते हैं, पैराबैंगनीज जो किरणें हम बोलते हैं, वो आंखों के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है, इंसान की स्किन के लिए भी बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है, सूरज से वो हमेशा आती रहती है। लेकिन जब हमारा सूर्य ग्रहण होता है ना, तो वो बहुत ही स्पीड से आने लग जाती है, ठीक है, बहुत ही स्पीड से अर्थ के ऊपर आने लग जाती है, क्योंकि उसके पास कम स्पेस है, क्योंकि सन और अर्थ के बीच में उस टाइम पे आ जाता है हमारा मून, जिसकी वजह से उसको जगह नहीं मिलती, और जहां से स्पेस मिलता है उसी जगह से अल्ट्रावायलेट बहुत ही स्पीड से आने लग जाती है, जो कि ज्यादा हार्मफुल होती है हमारी इंसानों के लिए, यानी कि हर चीज के लिए, पर्यावरण के लिए भी काफी नुकसानदायक होती है। तो ये पूरा फंडा होता है। अब बात कर लेते हैं कि ये प्रोसेस क्या होता है, ये होता कैसे है, सूर्य ग्रहण होता क्या है, क्यों होता है, इसका प्रोसीजर क्या है, क्वेश्चन काफी बार बनता है, चंद्र ग्रहण क्यों होता है, सूर्य ग्रहण क्यों होता है, डिफरेंस क्या है। देखिए फ्रेंड्स, डिटेल से समझाऊंगा, बड़ा अच्छे से समझ आएगा। ये देखिए, ये है हमारा सन, यानी कि सूरज है, ये हमारी अर्थ है जो कि चक्कर लगा रही है सूरज के चारों, ऐसे 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 जाके आएगी, ठीक है। पृथ्वी के चारों ओर हमारा लगा रहा है मून, यानी कि चंद्रमा भी चक्कर लगा रहा है। देखिए, वैसे तो नॉर्मल चल रहा है, लेकिन जब सूर्य ग्रहण होता है उस टाइम पे क्या होता है, अर्थ है जहां पर हम है, तो उसके सामने हमारा मून आ जाता है। अब देखिए, अर्थ के ऊपर अगर हम है तो हर जगह अलग अलग सूर्य ग्रहण होगा, यानी कि इंडिया के अंदर सूर्य ग्रहण अगर हो रहा है तो अमेरिका के अंदर नहीं होगा, ऐसा प्रोसीजर होता है, ठीक है। तो ये जो अर्थ के सामने हमारा, अर्थ के आगे और अर्थ के और सन के बीच में हमारा मून आ जाता है, यानी कि चंद्रमा आ जाता है, ठीक है, जो कि सन को ढक लेता है, जो सन से रोशनी आ रही है वो हमारी नहीं आ पाती, वो रिफ्लेक्ट होने लग जाती है हमारे मून के ऊपर, ठीक है, मून उसको रोक लेता है, अर्थ पर प्रॉपर रोशनी नहीं आती। ये देखिए, ये आ रही है हमारी रेज, ये आ रही है, मून ने रोक ली, ठीक है। अब ये कुछ जगह तो पड़ेगी इसकी रेज, ठीक है, अर्थ के ऊपर कुछ जगह नहीं आएगी, ठीक है, जहां पर इसकी रेज, ये रोशनी नहीं आएगी सूरज की, वहां पर हो रहा है हमारा सोलर इक्लिप्स, यानी कि सूर्य ग्रहण, ठीक है, और जहां पर पड़ रहा है वहां पर नॉर्मल है। तो ये इसी वजह से जो हमारी रोशनी नहीं आ पाती, क्योंकि मून बीच में आ गया है, ठीक है, अर्थ के और सूरज के बीच में जब हमारा चंद्रमा मून आ जाता है उस टाइम पे होता है हमारा सूर्य ग्रहण। तो ये पूरा फंडा होता है, इसी वजह से हमें सूरज नहीं दिखाई देता, क्योंकि हमारे देखने में जहां पर हम हैं और जो हमारा सन है उसके बीच में मून आ चुका है, क्योंकि वो भी तो चक्कर लगा रहा है ऐसे, जब मून थोड़ा आगे निकलेगा तो थोड़ा 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 सन दिखाई देने लग जाता है। तो ये पूरा फंडा होता है। आई होप आप डायग्राम से अच्छे समझ गए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा आता है लूनर इक्लिप्स।
ल्यूनर इक्लिप्स, जिसे हम जो कि होता है हमारा चंद्र ग्रहण, जिसमें हमें चंद्रमा नहीं दिखाई देता, ठीक है, चंद्रमा नहीं दिखाई देता, यानी कि ब्लैकिश दिखाई देता है, और फिर जैसे ही चंद्र ग्रहण ढलता रहता है तो हमें थोड़ा थोड़ा चंद्रमा थोड़ा कटा हुआ सा, ये हमारा चांद है, मून है, ये थोड़ा कटा हुआ सा दिखाई देने लगता है, थोड़ा थोड़ा ऐसे पूरा होता है। ये कैसे होता है, इसका क्या फंडा है? देखिए, इसका फंडा ये है कि हमारा सन है, ठीक है, ये हमारी अर्थ है बीच में, ठीक है, ये हमारा मून है। ये तब होता है जब सूरज और मून के बीच में, यानी कि चंद्रमा के बीच में अर्थ आ जाती है, क्योंकि अर्थ जो मून है वो चक्कर लगाता लगाता पीछे पहुंच जाता है, ठीक है। यहां पर अगर अर्थ है और अगर ये मून, ये देखिए मून अगर यहां पर आ जाता तो हमारा हो जाता सूर्य ग्रहण। अब ये मून चक्कर लगाता यहां पर पहुंच गया, पीछे पहुंच गया, इसी वजह से उसके ऊपर रोशनी नहीं पहुंच पा रही है। सूरज से जो रोशनी आ रही है वो अर्थ के ऊपर आ रही है, ठीक है, अर्थ ने सारी रोशनी रोक ली है, इसी वजह से वो मून के ऊपर नहीं पहुंच पा रही है। अब देखिए, मून कोई ऐसा नहीं है कि वो सूरज की तरह रोशनी छोड़ रहा हो, सूरज तो एक मतलब आग का अंगारा है जिसके जो कि बहुत ज्यादा लाइट छोड़ रहा है, लेकिन मून ऐसा ग्रह नहीं है जिसकी अपनी कोई लाइट हो, ठीक है, इसलिए हमें जो वो दिखाई देता है कि हाँ मून चमक रहा है, चंद्रमा चमक रहा है, वो इसलिए वजह से दिखाई देता है क्योंकि जो सनलाइट है वो मून के ऊपर रिफ्लेक्ट करती है। अब मिरर के ऊपर अगर आप टॉर्च से देखोगे तो रिफ्लेक्ट करके कहीं ना कहीं जाएगी, ठीक है, तो इसी वजह से मून हमें ऐसा दिखता है कि जैसे कि मून चमक रहा है क्योंकि सनलाइट उसके ऊपर पड़ रही है, वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, इस वजह से वो चमकता है। और जब अर्थ बीच में आ जाएगी, मून के मून इधर चला जाएगा और अर्थ यहां पर आ जाएगी, तो सूरज से सनलाइट आएगी वो तो अर्थ पे टकरा रही है, अर्थ उसे आगे नहीं जाने दे रही है रोशनी को, इसलिए मून हमें नहीं दिखाई दे रहा है। जैसे ही मून आगे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है, या फिर अर्थ थोड़ा आगे चली जाएगी तो थोड़ी थोड़ी सनलाइट पड़ती चली जाएगी, सनलाइट पड़ेगी कुछ हिस्से पे, मून के जिस हिस्से पे सनलाइट पड़ेगी वो हमें विजिबल ही होगा, यानी कि वो हमें दिखाई देगा, इसलिए मून थोड़ा आधा कटा दिखाई देता है। जब थोड़ा और आगे जाएगा और ज्यादा सनलाइट पड़ेगी, तो ऐसे 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 पूरा हमें मून दिखाई देता है। तो ये पूरा होता है हमारा ल्यूनर इक्लिप्स, यानी कि चंद्र ग्रहण, जिसमें होता है हमारा सूरज के और चंद्रमा के बीच में अर्थ आ जाती है, वो होता है हमारा ल्यूनर इक्लिप्स। आई होप आप समझ गए होंगे, डाउट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये आप ऐसे डायग्राम भी बना सकते हैं या फिर लिख भी सकते हैं कि सन और मून के बीच में अर्थ आ गई, ल्यूनर इक्लिप्सिस, या फिर सन और अर्थ के बीच में मून आ गया तो हमारा सोलर इक्लिप्स। ये होता है पूरा फंडा। नेक्स्ट चलते हैं नोवा। सोलर सिस्टम में एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है नोवा, यूनिवर्स में नोवा के बारे में पूछ ले। नोवा एक स्टार होता है। नोवा स्टार्स क्या होते हैं फ्रेंड्स? नोवा स्टार्स देखिए, जो हमारे तारे होते हैं, जब उनकी रोशनी 10 मैग्नीट्यूड से ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है, उन्हें बोलने लग जाते हैं हम नोवा स्टार्स। वो रोशनी इसलिए बढ़ती है क्योंकि वो तारा अपने आप को बहुत ही जल्द नष्ट करेगा, उसके अंदर एक जबरदस्त विस्फोट होगा, ठीक है, वो ब्लास्ट होगा उस तारे के अंदर, इस वजह से उसके अंदर रोशनी बढ़ रही है, उसके अंदर रिएक्शन होने लग जाती है, ठीक है, उसकी एज बढ़ जाती है, तो उसे बोलते हैं नोवा। जिसकी रोशनी बढ़ जाए 10 मैग्नीट्यूड तक, वो होती है हमारा नोवा स्टार, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, सुपरनोवा आ जाता है हमारा। एक होता है सुपरनोवा। सुपरनोवा वो स्टार होता है जिसकी रोशनी 20 मैग्नीट्यूड से ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है, नोवा की 10 मैग्नीट्यूड के आसपास रहती है और सुपरनोवा की 20 मैग्नीट्यूड से ज्यादा, यानी कि हद से ज्यादा रोशनी बढ़ जाती है, हद से ज्यादा चमकने लग जाता है, क्योंकि ये भी अपने अंदर विस्फोट करेगा, इसके अंदर भी ब्लास्ट होगा। सुपरनोवा जो है वो अपने आप को कंप्लीटली ब्लास्ट कर लेता है, ठीक है, ब्रह्मांड के अंदर उसके टुकड़े खिंच जाते हैं, ठीक है, टुकड़े फैल जाते हैं ब्लास्ट होने के बाद। और जो नोवा है वो केवल अपनी बाहरी सतह को, ठीक है, बाहरी उसकी जो सतह होती है, केवल अपनी बाहरी सतह को ब्लास्ट करता है, विस्फोट होता है उसकी बाहरी सतह में, वो तब भी रहता है। लेकिन सुपरनोवा जब स्टार बन जाता है, जब उसकी रोशनी 20 मैग्नीट्यूड से ज्यादा बढ़ जाती है, तो अपने आप को कंप्लीटली ब्लास्ट कर लेगा, कंप्लीटली विस्फोट हो जाएगा, उसके अंदर वो कंप्लीटली खत्म हो जाएगा, यानी कि उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा, उसका अस्तित्व मिट जाएगा। तो ये पूरा फंडा होता है नोवा और सुपरनोवा का। नेक्स्ट देखते हैं क्या आता है हमारा फ्रेंड्स। ये आता है हमारा लास्ट बिल्कुल सोलर सिस्टम का, प्लूटो। काफी सारे लोग प्लूटो को ग्रह समझते हैं कि ये भी एक प्लेनेट है। फ्रेंड्स ये प्लेनेट नहीं है, ये प्लेनेट मान लिया गया था, ठीक है, इसे नोवा ग्रह बोलने लग गए थे, लेकिन 2008 के बाद इसको प्लेनेट की श्रेणी से, यानी कि ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है, क्योंकि जो इसकी स्पेसिफिकेशन है वो ग्रह के कंपैरिजन में बिल्कुल भी मैच नहीं खाती। एक तो इसका जो साइज है वो बहुत ही छोटा साइज है, इसीलिए इसे ड्वार्फ प्लेनेट बोला जाता है, यानी कि इसे बोना ग्रह बोला जाता है, इसीलिए इसको
ग्रह की श्रेणी में नहीं लिया गया है, यानी कि इस पे ऐसा कुछ भी ग्रह जैसा नहीं है कि इसे ग्रह बोला जाए, क्योंकि जितने भी हमारे 8 ग्रह रिवॉल्यूशन कर रहे हैं शन के, सब में कुछ सिमिलैरिटीज हैं, कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं, इसलिए वो ग्रह की श्रेणी में है। लेकिन ये ग्रह की श्रेणी को बिल्कुल भी फुलफिल नहीं करता, साइज बहुत ही छोटा है, माइनर साइज का है, अब इतना भी छोटा नहीं है, मतलब माइनर साइज का है, इसलिए इसे बोना ग्रह बोला जाता है, इसलिए ये ग्रह नहीं है। इस डाउट में मत रहिए, क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ ले जाता है कि आखिरी ग्रह कौन सा है, फिर सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, सब प्लूटो के ऊपर लगाने लग जाते हैं। फ्रेंड्स, प्लूटो ग्रह नहीं है, ये डाउट अपने माइंड से निकाल दीजिए। देखने में ऐसा लगता है सबसे दूर है नेपच्यून से आगे जो आता है ये है, सूरज के चक्कर लगा रहा है लेकिन ग्रह नहीं है। आई होप डाउट क्लियर हो गया होगा। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा कंप्लीट सोलर सिस्टम, मेरे अकॉर्डिंग सोलर सिस्टम से रिलेटेड अब कुछ भी नहीं बचा है, मैंने सब कुछ कवर कर दिया, एक एक प्लेनेट से लेकर अर्थ से रिलेटेड आपके सभी डाउट क्लियर कर दिए। बात रही इंडिया की ज्योग्राफी के बारे में, वो हम आगे पढ़ेंगे, और भी कुछ आता है, वर्ल्ड की ज्योग्राफी भी आती है जिसमें घास के मैदान, बड़े बड़े पर्वत, वर्ल्ड के अंदर बड़ी बड़ी नदियां, बड़े बड़े झरने, वो हम आगे के लेक्चर में कवर करेंगे। ये था सोलर सिस्टम जिससे 30-40 क्वेश्चन आराम से निकल के आते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन था। तो फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, कभी भी मत भूलिएगा। तो मैं अब आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आज तो चैनल को यार सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा, साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को यार ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लीजिएगा, ताकि सब लोग सोलर सिस्टम के बारे में थोड़ा डिटेल से जान सके। और पसंद आए तो लाइक करिएगा वीडियो को, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको इंटरेस्टिंग लगा या फिर नहीं लगा, कुछ नया सीखने को मिला या फिर नहीं लगा, यूनिक मेथड आपको प्रिपरेशन का लग रहा है या फिर नहीं लग रहा है। ये मेरी गारंटी है, इस तरीके से आपका जीएस कवर करा दूंगा कि आपने जिंदगी में नहीं पढ़ा होगा, और आपको कभी भी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई भी आपका सुझाव हो, सजेशन हो कि भैया ऐसे चेंज करिए, ऐसे हम ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, ऐसे अच्छे समझ आता है, तो जरूर बताइएगा, जरूर इंप्लीमेंट करूंगा मैं, थोड़ा चेंज करूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।